मेडिटेशन फॉर इनर ट्रेजर सीरीज में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आंतरिक खजानों के लिए अंतर ध्यान, वो खजाने जो हमें पुण्य की कमाई जमा करने में मदद करे, वो खजाने जो हमारे साथ चले, क्योंकि दुनिया के सब खजाने तो इधर ही रह जाएंगे, साथ चलने वाले यही आंतरिक खजाने हैं। यह मैसेज देने के लिए ही इस सीरीज को आप सभी के सामने रखा है। आज एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक व्यक्ति बैलगाड़ी पर सवारी करता हुआ एक गांव में प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उस गांव में अंदर प्रवेश होने से पहले उस व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं? मुझे इस गांव में निवास करना है। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आप जिस गांव से आ रहे हो, वहां के गांव के लोग कैसे थे? तो ये बात सुन के वह व्यक्ति एकदम आग बबूला हो गया। कहा, उस गांव का मेरे सामने नाम नहीं लो, उस गांव के लोगों का मेरे सामने नाम नहीं लो, मैं उनको देखना नहीं चाहता, उनका नाम नहीं सुनना चाहता। उनका नाम सुनते ही मेरा दिल अंदर से घृणा से प्रतिशोध हो रहा है, मेरे अंदर नफरत का समुन्दर उनके लिए उमड़ रहा है। वो इतने शैतान और पापी लोग जो शायद ही पृथ्वी पर कहीं पर हो, मैं तो कभी भी उनकी तरफ दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं वहां से निकल आया हूँ, आदि आदि ऐसे बहुत कुछ उन लोगों के लिए बोलना शुरू किया। जैसे ही उस वृद्ध व्यक्ति ने सुना तो उसने कहा कि आप अपनी बैलगाड़ी की यात्रा आगे ले लो, क्योंकि इस गांव के लोग उससे भी ज्यादा बुरे हैं। मैं कई सालों से यहाँ पर रहता हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, आप आगे की ओर चलते जाएं। ये बात सुनकर बैलगाड़ी उस व्यक्ति ने आगे ले लिया। अभी वो आगे गई थी तो एक दूसरा व्यक्ति घोड़े पर सवार होते हुए आया। जैसे वो भी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसी वृद्ध व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई और उसने प्यार से पूछा, मुझे इस गांव में निवास करना है, यहाँ के गांव के लोग कैसे हैं? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने वही सवाल पूछा दोबारा जो पहले वाले से पूछा था, कि आप जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे? ये बात सुनते ही वह व्यक्ति जैसे यहां से गायब हो गया। वह जैसे अपने विचारों से, अपने नैनों से किसी और लोक में चला गया और कुछ टाइम के बाद उसके आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। तो वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, आपने जब मैं जिनके साथ रहता था, आपने जिस गांव वालों की बात मेरे साथ की, उनको याद करते ही मेरा मन प्यार से भर आया, आनंद से भर आया। वो तो बहुत ही अच्छे लोग थे, मैं तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु कोई मजबूरी से मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। परंतु मेरे अंदर एक ही सपना हमेशा रहेगा, मेरे दिल की एक ये आश रहेगी, मैं जल्द से जल्द वापस फिर से उस गांव में जाऊं, मेरे जीवन की अंतिम यात्रा उसी गांव में ही हो,
क्योंकि वो गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार से मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं। मैं उनकी उनको याद करते तरफ रहा हूँ, उनकी याद से मेरा दिल टूट जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं उस गांव में फिर से दोबारा जाऊं, परंतु कोई कारण से मैं अब वहां जा नहीं सकता हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने यह बात सुनते ही उस व्यक्ति को कहा, आइए, आपका स्वागत है इस गांव में। इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी बहुत अच्छे हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं। आपका स्वागत है इस गांव में। काश बैलगाड़ी पर जाने वाला व्यक्ति भी ये बात सुन लेता था, परंतु वह जा चुका था। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सामने वाले को कैसा देखते हैं? अगर हमारे अंदर आनंद और प्रेम की रंगा बहती है, हमारा हृदय प्रेम और आनंद से भरा हुआ है, तो यह पृथ्वी भी हमें आनंद से भरी हुई, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से भी हमें आनंद ही महसूस होता है। अगर हमारे हृदय में ही दिया बुझा हुआ है, हमारे हृदय के अंदर ही घृणा और नफरत भरी हुई है, तो हमें ये पृथ्वी अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी वैसे ही दिखते हैं। वास्तव में ये संसार, ये पृथ्वी और कुछ भी नहीं है, जो आप हैं वही पृथ्वी है, जो आप हैं वही जीवन है, और जो जीवन है वही आप हैं। सुना सभी भाई बहनों ने कहानी? ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? ये किस गुण को धारण करने की हमें प्रेरणा देती है? इस कहानी का मोरल, इस कहानी का एसेंस क्या है? ये कहानी हमें हमें सत्यता की ओर जोड़ती है, रियलिटी, सत्यता। क्योंकि सत्यता एक ऐसा गुण है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, और अपने आप से जुड़ने के बाद हम सभी से वैसे ही जुड़ जाते हैं, और वैसे ही हमें ये संसार दिखता है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो
जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। भाई और बहनों, सत्यता के इस गुण को अपने जीवन में धारण करने के लिए इस कहानी को हम और आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ ले जाते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अभी कोई हमसे पूछे, आप कहाँ बैठे हो, आप कैसे हो, तो आपके मन में क्या विचार चलेगा, क्या उत्तर है इसका? हम संसार में उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमने एक दूसरे के लिए कोई ना कोई इमेज बना के रखी है। अब जो मैंने आपके लिए इमेज बनाई है कि आप ऐसे हो, आप कैसे हो, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मेरी बनी हुई इमेज आपके साथ मैच हो सकता है जो मैंने आपके लिए सोचा हो इमेज, और जो आप अपने लिए सोच रहे हैं वो उससे भी ज्यादा हो या उससे भी खराब हो। वास्तव में बाहर की दुनिया वो हमारी आंतरिक स्थिति को डिसाइड नहीं करती है। हमारी आंतरिक स्थिति जो है वो बाहर की दुनिया को डिसाइड करती है। जैसे कहा जाता है, इट इज आउट इन अप्रोच, अर्थात जो बाहर है वो हमारी आंतरिक स्थिति है। ये वास्तव में इक्वेशन उल्टा है। वास्तव में जो हमारी आंतरिक स्थिति है वो हमारी बाहर की दुनिया डिसाइड करती है। इट इज एक्चुअली इन आउट अप्रोच। हम सबकी रियलिटी का एक अपना वर्जन होता है, वर्जन ऑफ रियलिटी। हर एक अपनी दुनिया अपनी कॉन्शियसनेस से देखते हैं। जैसा हमने चश्मा पहना होता है वैसा दिखता है। हम सोचते हैं लोग हमारी बात सुने, हमारी बात समझें, हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, या वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमें बताएं, हमसे छिपाएं नहीं, हर बात हमसे पूछते करें। वो जैसे अंदर से हैं वैसे ही वो बाहर भी होने चाहिए, आदि आदि कई बातें हम ऐसा सोचते हैं। मोटे रूप से तो ये बातें सही है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से सही ये है कि वो जो कर रहे हैं वो अपने स्थान पर, परंतु अंदर से आंतरिक दृष्टि से मैं शांत रहूं। वो सही कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हैं तो अंदर से मैं अपनी स्थिति को नीचे ऊपर ना करूं, मैं अंदर से उनके लिए कुछ नकारात्मक ना सोचूं, मैं उनके लिए अपनी सकारात्मक सोच ही रखूं, मैं उनको दिल से क्षमा कर दूं। वास्तव में ये आंतरिक अवस्था ही सत्यता है, यही रियलिटी है, यही वास्तविकता है।
और सत्यता ये मुझ आत्मा का निजी गुण है। आप देखो हर एक को अपने निजी गुण में कंफर्ट फील होता है, शांति, सुख, खुशी, आनंद। ये जब आत्मा फील करती है तो उसे कंफर्ट फील होता है। आप बताओ जब आप क्रोध करते हैं, किसी पे गुस्सा करते हैं, बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, उसमें आपको कंफर्ट फील होता है? नहीं होता है। तो जो कंफर्ट फील होता है वास्तव में वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है, वो सत्यता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक अच्छी बड़ी फैमिली में एक सर्वेंट थी जो बहुत ही अच्छा काम करती थी, एक्यूरेट, और सभी घर वालों से उसके संबंध भी अच्छे थे। पता नहीं एक दिन उसके मन में क्या आया, उस डर से उसने फ्रूट चोरी किया, और जैसे वो फ्रूट चोरी करके जा रही थी तो वॉचमैन ने पकड़ लिया। जब उस घर मालिक को पता चला तो उसके मन में एक विचार आया, उसने कहा नहीं, इसने चोरी नहीं किया है, ये मैंने खुद ने इसको फ्रूट दिया, आप इसे छोड़ दो। दूसरे दिन जब वो सर्वेंट काम पर आई तो पहले से और अच्छी हो रही, पहले से काम भी और अच्छी तरह से किया, पहले से रिश्ते भी उसके अच्छे हो रहे। कैसे? मकान मालिक ने उसको क्षमा कर दिया, क्षमा से वह अपने रियलाइजेशन तक पहुंची। रियलाइजेशन तक पहुंचना सत्यता तक पहुंचना, वास्तव में सत्यता एक ऐसा गुण है जो हमें हमारे निजी गुणों से जोड़ती है, शांति से, प्रेम से, सुख से, आनंद से। यह सृष्टि चक्र की अंतिम वेला चल रही है। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हमें पहला मंत्र देते हैं, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। सृष्टि की अंतिम वेला में परमात्मा हमारे संस्कारों को सतयुगी संसार बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम भी अपने आंतरिक संस्कारों को परिवर्तन करें और इस कार्य में परमात्मा से जुड़ें। अपनी चेतना को हम सतयुगी बनाएं। सतयुगी चेतना अर्थात जिस चेतना में दर्द ना हो, सबके लिए भलाई हो, कल्याण हो, खुशी हो, शांति हो, एकाग्रता हो, संतुष्टता हो, ऐसी सतयुगी चेतना बनाने के लिए कुछ पल मेडिटेशन करिए। ओम शांति। आइए आज हम अपने चश्मे को साफ करें। जैसे चश्मे पर दाग, धूल, मिट्टी लगी रहने से बाहर की दुनिया, बाहर का दृश्य धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट देखने के लिए हम उसे साफ करते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा दिव्य बुद्धि के चश्मे से हम अपने आंतरिक संस्कारों को देखें। मैं इस दुनिया को डर, डाउट और होपलेस की दृष्टि से देख रहा हूं, मुझे अपने संबंधों में ट्रस्ट रखना,
डिफिकल्ट लग रहा है? अपने को श्रेष्ठ चिंतन दें, मैं ईश्वरीय संतान हूं, इस संसार में हर आत्मा निर्दोष है, हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, मेरा पूरा ध्यान मेरे अपने कर्मों पर है, मेरे संकल्पों पर, मेरे संस्कारों पर, मेरे व्यवहार पर मैं पूरा काम करता हूं। मैं सबको दिल से दुआएं देता हूं। मैं अपनी आंतरिक स्थिति बनाने के लिए अपने मन को शांत और स्थिर रखता हूं। आंतरिक सतयुगी संस्कारों को निर्माण करने के लिए मेरा अपने ऊपर पूरा ध्यान है। मैं दिव्य आत्मा हूं। माय वर्जन ऑफ रियलिटी को श्रेष्ठ बनाना ये मेरा पूरा संकल्प है। मैं अपनी दिव्यता से इस संसार को दिव्य बनाने की सेवा में लगा हुआ हूं। दिव्यता, डिविनिटी, रियलिटी, सत्यता ये मुझ आत्मा के निजी गुण हैं, ये मेरी पहचान है। ओम शांति शांति शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।